आज 17 जनवरी को गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा 40 गांव जलगांव में वाची जा रही श्री शिव महापुराण की कथा के दूसरे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। और आज की कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण की बहुत सारी उपयोगी बातों की जानकारी दिए हैं। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा जहाँ पर होती है उसका क्या महत्व होता है। साथ ही आज की दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने 5 नए विशेष उपाय की जानकारी दिए हैं, जिसकी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर किसी कारण से अगर आप दूसरे दिन की कथा आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो से आपको कथा की सारी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही कथा को रसवादन करने का पुण्य उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा को शुरू करते हुए गुरुजी ने कहा कि आपको कभी भी अपने आँखों में आंसू भरकर शिव जी के पास महादेव के पास नहीं जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि कितना भी दुख है, तकलीफ है, कितनी भी समस्या आपके जीवन में आ गई हो, पर आपको कभी भी अपने आंखों में आंसू लेकर शिव जी के पास नहीं जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कभी भी शिव जी आपके आंखों के आंसू को देखकर आपके कष्टों को नहीं सुनते हैं, बल्कि आप जहां पर से भी हृदय से शिव जी को याद करते हो, स्मरण करते हो, शिव जी आपके सारे दुखों को, कष्टों को हर लेते हैं, महादेव आपके पास आकर तुरंत खड़े हो जाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि पर कुछ भक्त ऐसे होते हैं शिव की भक्ति उनमें इतनी प्रबल हो जाती है, वो शिव की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, शिवमय हो जाते हैं कि वो जैसे महादेव को देखते हैं, महादेव के मंदिर पहुँचते हैं, वो चुप हो जाते हैं और उनकी आँखों से आंसू निकलने लगते हैं और उनकी आंखों के आंसू ही सब कुछ कह देते हैं, उन्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि हमने आपसे पहले भी कहा है कि आपको कथा के बीच में उठकर कभी भी नहीं जाना चाहिए, कथा को पूरा सुनो और जब कथा पूरी हो जाए, कर्पूर गौरव हो जाए, तब आपको कथा पंडाल की रज को, मिट्टी को, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, हर हर महादेव का स्मरण करते हुए आपके शरीर में जहां पर भी कष्ट होता है, रोग होता है, वहां पर आपको लगाते हुए आपको घर जाना चाहिए। श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि कथा पंडाल की रज न जाने कितने रोगों को, कष्टों को दूर कर देती है, रोगों से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आपके रोग, आपके कष्ट, आपकी पीड़ा सब उस रज में समा जाते हैं। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण के विद्वेश्वर संहिता में पढ़ने को आपको मिलेगा कि भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से कहा था, तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहते हैं, वेद व्यास जी अपने भक्तों से कहते हैं कि श्री महापुराण की कथा जिस भूमि पर होती है, 7 दिनों की वह कथा जिस भूमि पर होती है, वह भूमि भूमि नहीं होती है, उस भूमि में 12 ज्योतिर्लिंग, सारे तीर्थ और कैलाश पर्वत का पुण्य उसका फल वहां पर निवास करता है। कथा में आगे गुरुजी ने आगे होने वाली कथा की जानकारी देते हुए बताया कि इसके बाद की कथा 27 जनवरी से होगी, महाराष्ट्र में ही होगी अगली कथा और वो सप्त दिवसीय कथा होगी। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोग कहते हैं कि शिवजी पर चढ़ा हुआ बेलपत्री नहीं खाना चाहिए, तो इस पर गुरुजी ने कहा कि श्री महापुराण के उमाखंड में आपको पढ़ने पर मिल जाएगा, वहाँ पर लिखा हुआ है कि माता पार्वती एक बेलपत्री का पत्ता खाकर जीवित रहती थी और उन्हें वह एक बेलपत्री का पत्ता इतना बल प्रदान करता था कि उनकी शरीर में उस एक बेलपत्री को खाने से ही ऊर्जा आ जाती थी। कथा में आगे गुरुजी ने कहा कि कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग में जो जलाधारी वाला भाग होता है उसे दबाते हैं, जैसे कि शिव जी के चरणों को दबाया जाता है, तो उसका क्या महत्व होता है। गुरुजी ने शिव महापुराण में वर्णित शिव जी के शिवलिंग में ऐसे 3 स्थान बताए हैं जिसे आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दबाना चाहिए। तो पहले हम जानेंगे कि कौन से वो 3 स्थान है, फिर जानेंगे कि आपको किस उपाय के लिए, अपनी किस समस्या के लिए उन 3 स्थानों को स्पर्श करना चाहिए, दबाना चाहिए। पहला स्थान गुरुजी ने बताए हैं शिव जी के शिवलिंग में गणेश जी और कार्तिकेय जी का स्थान, दूसरा स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान और तीसरा भाग है जलाधारी का गोल भाग यानी की माता पार्वती के हस्त कमल पर। इन 3 स्थानों पर आपको अपनी विशेष मनोकामनाओं के लिए, अपनी विशेष इच्छा पूर्ति के लिए स्पर्श करना चाहिए, दबाना चाहिए।
तो सबसे पहले जानते हैं कि गणेश जी सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान को कब स्पर्श करना चाहिए, किस अपनी इच्छा पूर्ति के लिए करना चाहिए। तो गुरु जी ने कहा कि अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया हो कि आपके गर्भ में जो बच्चा है उसके दिल में हृदय में छेद है या उसकी धड़कन नहीं है या फिर गर्भ में ही बच्चा विकलांग है, गर्भाशय में बच्चा ठीक नहीं है, तो आपको इस उपाय को करना है। इसके लिए आपको शिव जी के मंदिर जाकर सबसे पहले शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना है, फिर उसके बाद आपको गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर 5 से 7 बार दबाना है, स्पर्श करना है। फिर जिस हाथ से आपने गणेश जी और षडानंद कार्तिकेय जी के स्थान को स्पर्श किया है, दबाया है, उसी हाथ से आपको अपने उदर को यानी कि अपने पेट को स्पर्श करना है। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या फिर अगर आपको महामृत्युंजय मंत्र स्मरण हो तो उसका आपको जाप कर लेना है। फिर आपको 15 दिन बाद फिर से चेक करवा कर देख लेना है। गुरु जी ने कहा कि आपको डॉक्टर से सुनने को मिलेगा कि आपका बच्चा स्वस्थ है, अच्छा है। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हो, बहुत ही विशेष और उपयोगी उपाय है। अगर आपको भी डॉक्टर ने इस प्रकार कह दिया हो तो आप भी इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखिए। आपको यह उपाय शिव जी पर पूरा आस और विश्वास रखकर करना है। दूसरा उपाय गुरु जी ने जो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श करने वाला बताए हैं, तो गुरु जी ने कहा कि जिन बेटा बेटियों की उम्र 33 साल हो गई, 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, फिर भी शादी नहीं हो रही है, विवाह में अड़चने आ रही है, कोई ना कोई बाधा आ जा रही है, पसंद का कोई लड़का या लड़की नहीं मिल रही है, शादी में कोई समस्या आ रही है, तो इसके लिए आपको इस उपाय को करना है। गुरुजी ने कहा कि आपको रोज उस बेटा या बेटी को शिव जी पर एक लोटा जल चढ़वाना है। साथ में जल चढ़ाने के बाद एक बेलपत्री को माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराते हुए सीधे शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। आपको इस प्रकार माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराते हुए शिव जी के शिवलिंग में बेलपत्री समर्पित करना है कि बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है उसका मुख जलाधारी की ओर होना चाहिए। बेलपत्री को समर्पित करने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान को स्पर्श करते हुए दबाते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए अपनी कामना कहना है। जैसा लड़का या लड़की आप चाहते हैं, जैसा वर आप चाहते हैं, उसका स्मरण आपको करना है और फिर आपको घर आ जाना है। गुरु जी ने कहा कि श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि यह निश्चित है कि महादेव आपको आपको जैसा चाहिए वैसा ही वर प्रदान करते हैं और आपके शादी में जो भी अड़चने आ रही होती है महादेव उसे दूर कर आपका शुभ लगन अवश्य कराते हैं और वो भी बहुत जल्दी। तो आप इस उपाय को एक बार अवश्य करें। तीसरा उपाय जो गुरुजी ने माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श करने वाला बताए थे, विशेष उपाय बताए थे, गुरुजी ने कहा कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया हो या फिर हार्ट की कोई बीमारी हो गई हो तो उस व्यक्ति को यह उपाय करना है। अगर वो व्यक्ति नहीं कर सकता है तो उसके बदले में आप इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि आपको शिव जी के शिवलिंग पर एक कलश जल, एक लोटा जल समर्पित करना है। फिर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलते हुए आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर स्पर्श करते हुए दबाते हुए आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करते हुए उस व्यक्ति के लिए आपको महादेव से कामना करना है, महादेव से उसके जल्दी ठीक होने की निवेदन करना है। गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस उपाय को करते हैं तो श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है कि 1 से 2 घंटे में उस व्यक्ति को आराम मिलना शुरू हो जाता है और वो ठीक होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत ही विशेष और अचूक उपाय है, बहुत ही नया उपाय है जो पहली बार गुरुजी ने श्री शिव महापुराण की कथा में 40 गांव में हो रही कथा में बताए हैं। अगर आपके घर में भी किसी की तबीयत खराब हो तो आप इस उपाय को कर सकते हो। तो ये था तीसरा तरीका जो गुरुजी ने बताए थे। अब कथा के अंत में गुरुजी ने एक और बहुत ही विशेष और अचूक उपाय बताए हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका माइंड विकलांग हो या बच्चे का हाथ पैर अच्छे से काम नहीं करता हो, हाथ पैर में तकलीफ हो, बच्चे का विकास नहीं हो रहा हो,
हो, बच्चे के मुंह से लार टपकती हो, बिस्तर गंदा कर देता हो, बुद्धि कार्य नहीं करती हो, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा हो, तो आपको उस बच्चे के लिए जिसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस उपाय को करना है। इस उपाय को आपको उस बच्चे को ही करवाना है। आपको उस बच्चे को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाना है और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़वाना है। एक लोटा जल चढ़वाने के बाद आपको गणेश जी और कार्तिकेय जी के स्थान पर उस बच्चे से स्पर्श करवाना है, थोड़ा सा दबवाना है। 5-6 बार दबाने के बाद आपको घर आ जाना है और इस उपाय को आपको 2-3 महीने लगातार करना है। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है कि आपको देखने में मिलेगा कि 2-3 महीने में ही बच्चा पूरा स्वस्थ हो जाएगा। भोलेनाथ की विशेष कृपा उस बच्चे को अवश्य प्राप्त होगी। तो ये थी और एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय जिसकी जानकारी गुरुजी ने पहली बार दिए हैं। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 5 नए उपाय बताए हैं जो आप कर सकते हैं। और ये थी आज की कथा की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी। अगर आपको आज की कथा की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि गुरु उन्हें भी आज की दूसरे दिन की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपयोगी बातों और उपायों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी इसे करके महादेव का, गणेश जी का, माता पार्वती का, कार्तिकेय जी का, माता सुख सुंदरी का, 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुखों को, कष्टों को दूर कर अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सके। हर हर महादेव।